देश में लोकसभा के इलेक्शन होने में तकरीबन 8 महीने से भी ज्यादा का समय है, लेकिन देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। बीते 9 सालों से सेंटर में मेजॉरिटी की राजनीति करने वाली सत्ताधारी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से कम्पीट करने के लिए देश की 26 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना एक नया अलायंस बना लिया है, जिसका नाम रखा गया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि इंडिया। इंडिया एक ऐसा अलायंस जिसमें देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, सपा, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, बीआरएस, टीएमसी, आप जैसे प्रमुख विपक्षी दल शामिल हैं। इस अलायंस के अनाउंसमेंट करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा ये प्रयास देश में संविधान को बचाने, संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित रखने के साथ देश में विकास के विजन के साथ काम करना है। आपको बता दें कि न्यू अलायंस इंडिया के नाम के अनाउंसमेंट होते ही इसके नाम को लेकर चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। इस गठबंधन में नीतीश, लालू, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी जैसे देश के अन्य बड़े विपक्षी चेहरे शामिल हैं। बात करें कि कैसे ये गठबंधन काम करने वाला है, तो इसके लिए एक कार्यालय भी खोला जाएगा जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। अब देखने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या ये नया इंडिया 10 सालों से सत्ता की कुर्सी से दूर रहने वाले विपक्षी दलों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबले में कहां तक ले जाएगा।